क्या हो गया इनका, आवाज हम लोग कट कर रहा होगा। आवाज अपना बंद कीजिए, माइक ऑफ करके रखिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कहता है कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, यानी लाइट जो है क्या हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, तो उसी फेनोमेना को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस, इंटरफेस होता है ये, जिसका मतलब ये हुआ कि दो डिफरेंट मीडियम को ये सेपरेट करेगा। ध्यान से सुन करके एक बार में याद हो जाना चाहिए, दो मीडियम को सेपरेट करता है। यानी अगर ये हवा है और ये पानी है तो उसके बीच का जो लेयर होता है उसी को इंटरफेस, ये लाइन नहीं है, ये लेयर है, क्या है आपका, लेयर है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। अब मान लीजिए कि इधर हम मान लेते हैं रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट जो है डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम है। और मीडियम में एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं डिराइव अभी डिफाइन करूंगा थोड़ा देर के बाद, और ये है म्यू टू है, यानी सेकेंड मीडियम है ये। देखिए सबसे पहले एक नॉर्मल ही ड्रॉ किया जाता है, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए क्योंकि ये इंटरफेस है। अब रिफ्रैक्शन के केस में हम लोग नीचे डॉटेड लाइन नहीं देते हैं, जैसे आपका रिफ्लेक्शन के केस में देते थे। अब एक लाइट रे जो है इधर से इंसिडेंट किया और उसको जाना चाहिए था इस पाथ पर, लेकिन वो उधर जा नहीं पाएगा। और रेयर से यदि डेंसर मीडियम जाता है रे, तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करता है, यानी कि नॉर्मल के तरफ ये बेंड करेगा। देख ले ध्यान से, ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, यानी इंसिडेंट एंगल ये क्या हुआ आपका, आई हुआ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हुआ, यानी आई जो हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और आर जो हो गया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ये, ठीक है। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट समझना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है इस लॉ में कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम पॉइंट, ठीक है, पहला लॉ यही है। दूसरा है इट फॉलो स्नेल्स लॉ, या स्नेल्स लॉ का पालन करता है, यानी इट फॉलो स्नेल्स लॉ, क्या, स्नेल्स लॉ का पालन करता है। अब स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट जो इनका है, स्टेटमेंट जो इनका है स्नेल्स लॉ का, स्टेटमेंट जो है स्नेल्स लॉ का, उसमें ये है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई शॉर्ट में लिख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल, एंड एंगल ऑफ साइन इज सेम फॉर ऑल मीडियम, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं आप, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ साइन, और इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू एंगल ऑफ साइन क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। यानी इस पहला मीडियम का ले रहे हैं तो म्यू वन लेंगे,
और एंगल ऑफ साइन लेंगे तो क्या होगा, साइन आई होगा। इस मीडियम का लेंगे क्या होगा, तो म्यू टू होगा, और एंगल ऑफ साइन जो होगा वो साइन आर होगा। यह दोनों प्रोडक्ट बराबर इक्वल टू कांस्टेंट भी कर सकते हैं आगे, यानी जितना मीडियम रहेगा सबके लिए बराबर होता है। मान लीजिए कि लाइट है जो 3, 4, 5, 10 मीडियम से पार कर गया, तो हर एक मीडियम में जितना एंगल बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट सेम होता है। फॉर्मूला मेनली यही होता है इस बात पर, यही स्नेल्स लॉ है। यानी ये आपका क्या है, स्नेल्स लॉ है, यानी कि आपका क्या है एंगल ऑफ प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या होता है आपका सेम होता है, यानी कि इक्वल होता है। इसमें किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो फिर इसमें भी और भी पॉइंट्स है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। स्क्रीन शॉट जल्दी से ले लीजिए। माइक ऑन तभी करें जब आपको कुछ पूछना हो। सर बोलिए जल्दी से सुषमा। सेम पॉइंट की जगह पे सेम प्लेन नहीं हो सकते हैं क्या? प्लेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लेन पॉइंट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दोनों हो सकता है। और बोलिए सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बोले ना कि अभी आगे पढ़ा रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पहले इसमें लिखिए ना, आगे वही सब पढ़ाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे मिटाते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है उस बात को समझिएगा। अभी अभी पॉइंट इसका खत्म नहीं हुआ है एस्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का। इसमें जो अगला पॉइंट है उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, और वो पॉइंट क्या है उसको देखते हैं ध्यान से। देखिए वो पॉइंट ये है, अगला पॉइंट कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, क्या रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो जानते क्या होगा, सब कुछ चेंज करेगा बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। जबकि इसके पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, कोई भी चीज चेंज नहीं किया था। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं वेव लेंथ ऑफ वेव स्पीड, है ना, स्पीड चेंज व्हेन रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अनदर मीडियम बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम सिंस फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स का प्रॉपर्टी है। यानी कि बात को समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं ना कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, क्या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा कंठ जो वाइब्रेट कर रहा है एक सेकेंड में 10,000 बार, 15,000 बार, ऐसे मेरा आवाज थोड़ा क्लियर है, साफ सुफ है, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी लगभग 12 से 15,000 के आसपास होगा। लड़की लोगों का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा होता है मीठा आवाज, और जिनका आवाज खरखर फरफर करे ना समझ जाइए 10,000 से कम में है। जितना कम फ्रीक्वेंसी उतना आवाज भारी, समझने में कष्ट। जितना अच्छा फ्रीक्वेंसी, अब ऐसा नहीं कि 40,000, हम लोग का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20,000 तक ही हो सकता है, वहीं तक हम लोग सुन भी सकते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा हम लोग सुन भी नहीं सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका सोर्स का प्रॉपर्टी, हम बोल रहे हैं तो ये मेरा प्रॉपर्टी, मेरे कंठ का प्रॉपर्टी है। अब आप अभी ऑनलाइन में सुन रहे होंगे तो भी आवाज वही सुनाई देगा,
और क्लासरूम में जब रियल पढ़ाते थे तो वही आवाज सुना, आप आवाज सुन के पकड़ लीजिए कि वो अच्छा लगता अविनाश सर बोल रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब हुआ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाए तो कभी नहीं बदलेगा। देखिए यह क्वेश्चन नीट में भी पूछा है और बोर्ड में भी बहुत बार पूछा है, इसलिए बात को समझ के रखिएगा। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करेगा, बाकी सब कुछ चेंज कर जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवार्ड्स, किधर बोलिए जल्दी से, नॉर्मल के तरफ, यानी पास आ जाएगा। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, यानी पास आ जाएगा। आई बात समझ में, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि याद रखने का एक बेहद आसान तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये नॉर्मल है, ये रेयर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर मीडियम है। अब देखिए डेंसर मतलब होता है सघन और रेयर मतलब होता है विरल। डेंसर मतलब होता है पास पास, नहीं कहते हैं बहुत डेंस हो गया, है ना। डेंस होने का मतलब लोग पास पास आ जाए तो डेंस हो जाए तो उसको भीड़ कहते हैं, और दूर दूर है तो रेयर है। तो डेंसर में रे ऑफ लाइट, जैसे रे ऑफ लाइट ये आ रहा है ना, रेयर से जा रहा है तो जाना चाहिए था इसको इसी पाथ पर। लेकिन डेंसर मतलब क्या होता है, लर्न करने का टेक्निक बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। डेंसर मीन्स क्या होता है, पास पास, रेयर मतलब दूर दूर। तो इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ रे ऑफ लाइट और नॉर्मल है, दो ही वो चीज है। तो रेयर में दोनों दूर दूर रहेगा और डेंसर में दोनों पास पास रहेगा। डेंस मतलब होता है पास पास, तो लाइट और नॉर्मल डेंसर मीडियम में क्या होगा, पास पास होगा। दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर लर्निंग, ध्यान से समझ लीजिए बात। कंफ्यूजन हो तो एक ही बात याद कीजिए, क्या रेयर मतलब दूर दूर, तो कौन दूर दूर, लाइट का रे और नॉर्मल दूर दूर, और डेंसर मतलब पास पास, तो कौन पास पास, इधर। और उसके बाद दिमाग में सोच लीजिए, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड कर गया, देख लीजिए वही पॉइंट तो लिखे हैं। और हमारे हिसाब से उल्टा वाला पॉइंट नहीं लिखना चाहिए ना याद करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो फिर तो हम वो काम कर लेंगे। बात आप समझते हैं, इसीलिए बात जब समझते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं बात समझते हैं तो ज्यादा कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उल्टा बात तो याद ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रहेगा तो दिमाग कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए हम भी एक ही पॉइंट लिखेंगे, इसके आगे पॉइंट नहीं लिखेंगे। यानी कि ये सब बात जो था आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में था, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले, और तब आगे बढ़ेंगे। इतना दूर को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। सुबह सुबह एक गलती हो गया। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो किधर बेंड करेगा, बोलिए आप लोग। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर डेंसर से रेयर जाएगा तब किधर बेंड करेगा, तभी नॉर्मल 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 डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा, उसका उल्टा याद करना है। इसीलिए एक ही पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। दो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए सम टाइम इसको म्यू से डिनोट किया जाता है,
और सम टाइम एन से, लेकिन हमारा जो आदत है ना, आदमी जो होता है आदत से लाचार होता है, ये बात आपको पता है। तो हमारा आदत है म्यू से डिनोट करना, एन से नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में एन से भी आ सकता है। अब याद रखना आपका काम है, मेरा काम नहीं है ये सब चीजों में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डिफाइंड टर्म है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक डिफाइंड टर्म है जिसका डिफिनीशन है, उसको याद रखना पड़ेगा। ये रिलेटिव वर्ड है और ये सेम चीजों का रेशियो है, इसलिए इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। हम बार बार कहते थे ट्वेल्थ में भी यूनिट डायमेंशन आएगा, हर बार आएगा, जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर जरूर हम बताएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है इसका सेम चीजों का रेशियो है, तो यहाँ पर जो है सेम चीजों का जब रेशियो है तो बात समझ लिए अच्छी तरह से। ठीक है, सेम चीजों का रेशियो है, तो देखते हैं इसमें ध्यान से अच्छी तरह से। देखिए, तो इसको डिफाइन किया जाता है दो तीन तरह से। तो सबसे पहला तरह वाला जो है ना, टेंथ वाला, वो डिफिनेशन लिखते हैं, दसवां क्लास वाला। क्या लिखते हैं जो देख लिए ध्यान से, टेंथ क्लास वाला, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही डिफाइन किया जाता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आप लिख सकते हैं म्यू, शॉर्ट में आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में सी से डिनोट किया जाता है और मीडियम में भी से डिनोट किया जाता है, ये डिफाइंड टर्म है। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सी क्या है, तो उसके लिए मेरे पास टेक्निक है। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है उसको सी से डिनोट करेंगे, यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिख दिए हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में जो अति मीडियम में जो डिनोट करेंगे उसको भी से डिनोट कर दिए, देखिए बगल में ब्रैकेट में, तो सी बाई भी हो गया। तो ये हो गया इसका मेन डिफिनीशन। अब बताइए, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस नहीं होगा, क्योंकि जिसका स्पीड बाई स्पीड, तो कट करके क्या होगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। लेकिन किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर हाल में एक से ज्यादा होगा, याद हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हर हाल में एक से ज्यादा होगा। तो वैक्यूम तो कोई मीडियम नहीं है, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। और सम टाइम हम लोग क्वेश्चन में जल्दी जल्दी बनाने के लिए एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिवनेस होता है 1.0012, इस तरह से होता है, तो उसको 1 मान लेते हैं। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम और एयर इज 1, क्या होता है, 1 होता है, इस बात को याद कर लीजिए। दूसरी तरह से एक बात और समझते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डैट एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला। देखिए, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो याद करने का हम तरीका बताते हैं। क्या बताते हैं, तरीका। चलिए, आप ही लोग से तरीका पूछते हैं, तो एक बात बता दीजिए जरा ध्यान से अच्छी तरह से। हम ये जानना चाहते हैं किनसे, हम किन्हीं एक से जाना चाहते हैं। चलिए, गौरव है जो अपना माइक ऑन करेंगे। बस सर।
स्पीड का फॉर्मूला आज तक कभी पढ़े हैं आप? जो फॉर्मूला पढ़े हैं 9, 10, 6, 7, 8, 9, 11, 12 तक में, स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप? डिस्टेंस बाय टाइम। वेरी गुड। लेकिन ये तो स्पीड ऑफ वेव है, तो स्पीड के डिस्टेंस को जानते क्या कहते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ कहते हैं क्योंकि वेव की लंबाई, या लंबाई को ही तो डिस्टेंस कहते हैं, अब बटा टाइम, तो टाइम के बदले यहाँ टाइम पीरियड आ जाता है। जो भूल गए फार्मूला उनको याद करवा रहे हैं, और तब तो स्पीड ऑफ वेव का जो फार्मूला हो जाएगा ना, स्पीड ऑफ वेव का वो फार्मूला हो जाएगा, वेव लेंथ को हम लोग जानते क्या से डिनोट करते हैं? लैम्डा से, लैम्डा से, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। और टाइम पीरियड का उल्टा एगो टर्म होता है, टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी। इसलिए फार्मूला याद करने के लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, यानी स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फार्मूला होता है, देखिए कहाँ सा है फार्मूला, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता दिए याद रखने का तरीका। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब कहता है स्पीड ऑफ वेव बराबर होगा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। सम टाइम इसी को फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा रहता है, लेमडा ऐसे और फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। टर्म अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, है ना, लेकिन हमको मेन मीनिंग याद होना चाहिए कि आपका वो टर्म क्या है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अब नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर से लेके चलते हैं। म्यू बराबर क्या लिखेंगे? तो म्यू बराबर लिखेंगे सी बाई भी। तो एक बात तो समझ लीजिए, अभी अभी पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी है जो कोई भी मीडियम में चला जाए नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? किसी भी मीडियम में चले जाइए नहीं बदलेगा, इस बात को आप पढ़ चुके हैं। जब फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में जाएगा तो नहीं बदलेगा, तब फ्रीक्वेंसी कहां? वैकम में। आप वेवलेंथ इन वैकम को लेमडा कहते हैं, और यहां पर फ्रीक्वेंसी आप वेवलेंथ वाले मीडियम को मीडियम कहेंगे, मीडियम से डिनोट कर दिए। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कट गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डिफिनीशन आ गया लेमडा बाई लेमडा मीडियम। तो बात समझने की कोशिश कीजिएगा और जरूर फार्मूला याद कीजिए। फार्मूला कभी आ रहा है टाइम, यानी कि आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा था डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ क्या? वेवलेंथ। तो बात समझ लीजिए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो फर्स्ट से फॉर्मूला वही नहीं लिख देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब पूछ दिया डिफाइन टर्म ऑफ वेवलेंथ, तो आप लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव इन वैकम टू द वेवलेंथ ऑफ वेव इन मीडियम। यानी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम अभी यहाँ पर। अब आपको यानी कि बात समझ गए होंगे हम क्या कहना हम कर रहे हैं। फिर से डिफिनेशन बोल दिए हैं, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा। नहीं लिखना रहेगा तो फिर से वीडियो में जा करके जब यूट्यूब पर डालेंगे ना, तो वहां से पीछे करके सुन करके लिख लीजिएगा। बोल देते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन इन द टर्म ऑफ वेवलेंथ, उसमें हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव प्रेजेंट एट वेवलेंथ ऑफ वेव इन मिड एट वैकम टू द वेवलेंथ ऑफ वेव इन मीडियम। तो इतना को जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए और तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया आप लोग का? आगे बढ़े, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। अभी रिफ्रैक्टिवनेस से बहुत कुछ बचा हुआ है, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए तो अगला पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा? स्नेल्स लॉ के टर्म में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करेंगे। देखिए बहुत तरह से डिफाइन किया जाता है। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, बहुत लोग इसमें से 8-10 स्टूडेंट ऐसे हैं ना, सिर्फ खाली पुलाव बनाते हैं, सोचते रहते हैं,
उनसे कुछ पूछते हैं तुमको पता नहीं चलता, पता इसलिए नहीं चलता कि एक बार भी याद भी नहीं करना चाहते हो, बैठ करके घर में कभी भी 10 बार रिपीट नहीं किए हैं इसलिए उनको पता भी नहीं चलता है, और धीरे धीरे फिर टफ होता चला जाएगा। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ में अभी अभी आप पढ़े थे एक अगला पॉइंट में स्नेल्स लॉ में कि अगर कोई ये नॉर्मल है और कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है, अगर इस पाथ में नहीं जाना चाहता है तो इधर से ही जाएगा ऐसे, और ये आर होगा और ये आई होगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, फर्स्ट मीडियम है ये, फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ एगो खेल है बहुत अच्छा है, जो सुने वो समझे और जो न समझे वो समझ लीजिए कि बहुत परेशान हो गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको थ्योरी कॉपी से देख करके सिर्फ बहुत कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी, बहुत सारा टर्म जो है आप जो हम बोल रहे हैं वही आपको सुन के समझ में आएगा, इसलिए क्लास करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए फर्स्ट मीडियम, और जानते हैं आज वाला वीडियो नहीं डालेंगे, वीडियो सारा यूट्यूब पर डाल देंगे ना तो बहुत लोग फ्री में पढ़ लेंगे, इसलिए कुछ कुछ वीडियो काट काट देंगे बीच बीच में, मेन मेन जो टर्म समझाने रहता है तब मजा आएगा, है ना। वो सारा वीडियो जैसे बहुत कल लोग कर रहे थे सर हीट वाला अभी तक नहीं डाले हैं, जब हर बार डालिए देंगे तो हमको पैसा दीजिएगा आप लोग, फ्री में हम पढ़ाते रहेंगे, है ना, इसलिए वो वाला काम नहीं होगा। वीडियो कुछ कुछ कट जाएगा बीच से, दो चार गो हर एक चैप्टर में, पांच गो डालेंगे चार गो काट लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम नहीं तो सब लोग जल्दी से फुल पेड कर दीजिए तब पूरा वीडियो डाल देंगे। तो फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम किसको कहते हैं याद कीजिएगा, ये जो है ना इस लाइट में अब आगे बहुत जरूरत पड़ेगा फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम का, उसमें लर्न क्या करना है। तो फर्स्ट मीडियम का मतलब ये हुआ कि जिधर से लाइट आ रहा है ना वो फर्स्ट मीडियम, और जिधर को जा रहा है ना वो सेकेंड मीडियम होगा। आए बस समझ में, जिधर से लाइट आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम और जिधर को जा रहा है वो सेकेंड मीडियम, ठीक है। जिधर से लाइट आ रहा है वो फर्स्ट मीडियम, जिधर को जा रहा है सेकेंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम को म्यू वन से डिनोट करते हैं और सेकेंड मीडियम को म्यू टू से डिनोट करते हैं, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगाइए, बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ आप लिखिएगा म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यही लिखिएगा। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का हमेशा ज्यादा होगा, इस बात को याद कर लीजिएगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना। तो यानी कि हेयर यहां जो होगा म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन, सिंस सिंस सेकेंड मीडियम इज डेंसर, क्या है डेंसर है, तो सेकेंड मीडियम डेंसर है इसलिए ऐसा हो रहा है, डेंसर का रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है हमेशा ज्यादा होता है, इस बात को याद कर लीजिए। और तब तो लिख सकते हैं म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू, म्यू टू बाई म्यू वन लिखेगा तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। अब साइन आई बटा साइन म्यू टू बाई म्यू वन हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला जो है आप लोग 10th क्लास में ऐसे पढ़ते थे ये फॉर्मूला ऐसे, लेकिन 10th क्लास में इस फॉर्मूला को और थोड़ा तोड़ा मोड़ा जाता था, कैसे कहता था यदि फर्स्ट मीडियम इज एयर, इफ फर्स्ट मीडियम मीडियम इज एयर और वैकम तो म्यू वन बराबर वन हो जाता था, इसलिए म्यू टू बराबर हम लोग म्यू मान लेते थे, और तब म्यू बराबर हो जाता था साइन आई बाई साइन आर। एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और तब आप 10th में याद किए रट्टा मारे थे रिफ्रैक्टिवनेस बराबर साइन आई बटा साइन आर, आप ये स्नेल्स लॉ पढ़े थे, आप 10th क्लास में ये वाला स्नेल्स लॉ रट्टा मारते थे म्यू बराबर, हम लोग ये देख रहे थे यहाँ पर कि हम लोग 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े थे म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, और वह देखिए इसका एक स्पेशल केस था,
आज के बाद कोई भी स्नेल फ्लॉ पूछे तो फॉर्मूला नहीं बोलना है, आपको ये फॉर्मूला बोलना है, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो बताएंगे ना इस फॉर्मूला से बताएंगे स्नेल फ्लॉ में। यानी आपको ये बोलना है म्यू वन साइन आर इक्वल टू म्यू टू साइन आर, स्नेल फ्लॉ का फॉर्मूला मेन वो है, और अब मेन फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा म्यू वन साइन आर इक्वल टू म्यू टू साइन आर। आई बात समझ में? तो ये हुआ रिफ्रैक्टिवनेस का एक और डिफिनेशन हुआ, यानी रिफ्रैक्टिवनेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन शॉर्ट लीजिए तो फिर आगे बढ़ेंगे, फट से जल्दी से लीजिएगा। अगर दो से ज्यादा मीडियम रहेगा तो सर? उसके लिए आगे देख रहे हैं अभी, अभी तो दो मीडियम की बात वही ना, आगे अब बढ़ेंगे। देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बात को समझ लीजिए, यहां पर हम दो तीन मीडियम कर दे रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। इधर अभी एयर है, इधर अभी वाटर है, इधर अभी ग्लास है, और फिर एयर है, मतलब अब तीन चार मीडियम हो गया, देख लीजिए ध्यान से। लेकिन एगो बात समझिएगा, बड़ा अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, लिखेंगे नहीं सिर्फ बोलेंगे, और फिर से अगर इस पॉइंट को समझना होगा तब तो YouTube पर जाके रिकैप करना पड़ेगा आपको। जब कोई रे किसी मीडियम से चलना शुरुआत करे, उसके बाद वो दो मीडियम, तीन मीडियम, चार मीडियम, पांच मीडियम, दस मीडियम से क्रॉस कर जाए, लेकिन लास्टली अगर वो फिर इनिशियल वाले मीडियम के जैसा मीडियम में पहुंच जाए, तो पहला मीडियम में जो रे ऑफ लाइट था और लास्ट मीडियम में जो पहुंचा वो भी मीडियम सेम था, तो हर हाल में पहला जो लाइट मीडियम में रे का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन लास्ट वाले में भी होगा। इतना बड़ा वर्ड बोल दिए, याद तो रहा नहीं, अब रिकैप करके सुनते रहिएगा, है ना। लेकिन उसका पिक्चर बना रहे हैं फिर से, इसलिए अब की बार बात समझ में आ जाएगा। यानी पिक्चर बनाते समय हम देखिए ऐसा बात करेंगे कि आप भूलिएगा नहीं, है ना सचिन कुमार, नहीं भूलिएगा, देखिए ध्यान से, एकदम नहीं भूलने देंगे आपको, हम भूलने देंगे कभी नहीं देंगे भूलने के लिए। देखिए ना हम बना दे रहे हैं, पैरेलल लाइन यहां तक खींच दिए, अब ये इधर रे तो जाएगा नहीं इसके बाद, क्योंकि मीडियम है बदल जाएगा, इस रे लाइट डायरेक्शन में तो रे जाएगा नहीं। हमारे पास देखिए बहुत सारा टेक्निक है, इसलिए मेरा टेक्निक में देख रहे ना क्या है, एकदम डायरेक्ट दिख गया आपको, यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे सबसे पहले। नॉर्मल जब बनाएंगे तो यह रे ऑफ लाइट जो है ना, एयर वाटर, तो पानी और हवा में कॉन्डेंसर है, ये बात आपको पता है, कॉन्डेंसर है आपको, जो डेंसर है वो वाटर है, तो वाटर के तरफ यानी नॉर्मल के तरफ ये बेंड करेगा, बेंड करते 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 ये इस तरह से आएगा, इस तरह से बेंड करके यहां पहुंच जाएगा ये। लेकिन यहां भी नॉर्मल खींचेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, यहां भी नॉर्मल खींचेंगे, अब फिर से टू बार्स नॉर्मल ये बेंड करेगा, अब जो जा रहा था इधर, ये डॉट लाइन जो इधर जा रहा था उधर अब नहीं जाएगा, ये फिर से टू बार्स नॉर्मल और बेंड करेगा और यहां पहुंच जाएगा, फिर से हम नॉर्मल यहां पर खींचेंगे, फिर से हम नॉर्मल यहां पर खींचेंगे, देख लीजिए ध्यान से, फिर से हम नॉर्मल यहां पर खींचेंगे, इस बात को याद कर लीजिए। जब अब की बार नॉर्मल खींचेंगे तो हवा था ये मीडियम और ये भी मीडियम हवा है, तो हम क्या बोले, जिस मीडियम से चलना शुरुआत करे उसका अनेकों मीडियम से पार कर जाए, फिर यदि उसी मीडियम में आ जाए
तो पहले जो रे का डायरेक्शन था वही रे ऑफ डायरेक्शन बाद में भी होगा, यानी कि मेरे हिसाब से ये जो है इसके पैरेलल भागेगा, यानी इसका डायरेक्शन सेम हो गया, यानी पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, इससे जेई एडवांस से वो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा था, वो असाइनमेंट में है, आज असाइनमेंट भी दे देंगे आप लोग को, है ना, मिल जाएगा आपके पास, असाइनमेंट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा, जो हम बात बोले थे उसको हम फिर से देख लिए, ध्यान से समझ लीजिए, हम जो बात बोले थे उसको हम दोबारा हम आपका काम कर दिए हैं, देख लिए ध्यान से। हम ये बोले थे कि यदि रे ऑफ लाइट एक मीडियम से चलना शुरुआत किया, नंबर ऑफ डिफरेंट मीडियम से पार करते चला गया, लेकिन फाइनली यदि उसी सेम मीडियम में आ गया, तो हर हाल में दोनों का रे का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे का डायरेक्शन आपका बिल्कुल सेम हो जाएगा, कभी बदले उदलेगा नहीं, यानी कि दोनों पैरेलल हो गया। इसको कहते हैं लैटरल शिफ्टिंग भी कहते हैं, लैटरली शिफ्ट किया है, जा रहा था उसके बगल में शिफ्ट कर गया, तो लैटरल शिफ्टिंग का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे आगे। यानी पहले तो हम फिनोमेना समझे रिफ्लेक्ट, आप ही लोग बोले सर कि बताइए पहले तीन चार मीडियम रहेगा तो क्या होगा, तो चलिए तीन चार मीडियम का बता दे रहे हैं, टेंशन क्या लेना है, बात समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गया, लिखने का स्टाइल क्या होता है उसको समझते हैं, इसको लिखने का स्टाइल को तरीका को समझते हैं। देखिए अगर कहीं लिखा रहे म्यू टू वन या म्यू टू वन, ऐसे लिखा रहे, दोनों में लिखने का तरीका एक ही है, तो इसको पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। पढ़ने का तरीका, बहुत लोगों को तो पढ़ नहीं आता, अगर ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल रहे तो उसको पढ़ते हैं ऐसे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। उसी तरह से अगर लिखा रहे म्यू वाटर एयर, तब इसको कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देख लीजिए ध्यान से, पहले टर्म को देखिए, आप लोग जब तक जो ज्यादा कमजोर है ना उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, आने की जो ज्यादा कमजोर है यानी पहले नाइन्थ में टेंथ में नहीं पढ़े अच्छे से, उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। एक एक वीडियो को चार पांच बार रिप्ले करके देखिए, सुनिए केवल, देखिए सब याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए लाइट रे जो जा रहा है हवा से पानी में जा रहा है, देख लीजिए, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लिखने का तरीका सुनिए, अब एयर से वाटर में जा रहा है, हवा से पानी में जा रहा है, तो लिखने का तरीका ये हुआ कि एयर से जब वाटर में जा रहा है तो बाद वाला को पहले लिखते हैं, इसीलिए लिखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर गुने। अब वाटर से ग्लास में जा रहा है, लगातार लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ऐसा मत सोचिए कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे, जिधर से लाइट जा रहा है जिधर को जा रहा है, जिधर से आ रहा है जिधर को जा रहा है, जिधर से आ रहा है उधर को जा रहा है, वो लिखने का तरीका है। तो यह स्टाइल है लिखने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। देख लीजिए ध्यान से, ये लिखने का तरीका समझिए। देखिए एयर से वाटर में गया, एयर से वाटर लिखाया, वाटर से ग्लास में गया, वाटर से ग्लास लिखाया, ग्लास से एयर गया, ग्लास से एयर लिखाया। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब इन सभी का जो प्रोडक्ट होगा ना वो एक के बराबर होगा, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन ये गारंटी कब तक वैलिड है, हर एक चीज का गारंटी कब वैलिड होता है, तो इस गारंटी का वैलिड कब तक है कौन बता सकते हैं, बोलिए जल्दी से। ये गारंटी जो दे रहे हैं
कि इसका गारंटी वन ही होगा, ये कब वैलिड है ये आप लोग बताइए जल्दी से। भैकम पर रहेगा हवा। क्या जोर से बोलिए, भैकम में रहेगा तब। चलिए और कोई बोलिए, दूसरा लोग अपना अपना बोले, फिर से बोलिए। यदि फर्स्ट एयर हो तो एयर टू एयर में जाएगा, मतलब मीडियम सेम रहेगा। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग दिमाग ला रहे हैं, थोड़ा सा और दिमाग लाइए, अभी तक सही सही जवाब नहीं आया है। एयर से एयर जाए तो, हाँ अब आया है, एयर से एयर आए तो, यानी एयर से एयर आए तो नहीं, अभी भी अच्छा नहीं है। अगर फिजिक्स की भाषा में कहेंगे सेम मीडियम से सेम मीडियम में चला जाए तब, यानी एयर से चल के फिर से एयर में आ जाए तब ये कंडीशन लागू होगा, या वाटर से चल के वाटर में आ जाए डिफरेंट मीडियम से होते हुए तब ये कंडीशन लागू होगा। मतलब शुरुआत वाला जो मीडियम है ना, और लास्ट वाला जो मीडियम होगा, लास्ट वाला मीडियम, वो दोनों यदि सेम हो जाए तभी ये लागू होगा, अन्यथा जो गारंटी है वो समाप्त हो जाएगा। याद रहेगा गारंटी, इन्हें की सब जगह लगा दीजिएगा। और अब इस गारंटी को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं। देखिए लिखने का वो तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे, देखिए ना बहुत सारा, देखिए लाइट में टर्मिनोलॉजी है, और टर्मिनोलॉजी है समझना है, बात को लर्न करना है, बात को हर बार रिविजन करना है। तो देखिए लिखने के तरीके को बदलना है, और जो सोचेंगे अच्छा ये क्लास छूट गया अगला क्लास में कर लेंगे, वो तो गए है ना। वो तो क्या है, रिलेम 6 प्रो। ये कौन मोबाइल नंबर से ज्वाइन करते हैं, नाम से ज्वाइन करना चाहिए ना। माइक कौन है, ठीक है। चलिए यहां देखिए ध्यान से, बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब कोशिश में हमको ये करना है कि अगर कहीं लिखा हुआ है म्यू ग्लास एयर, और इसको अगर डिवीजन में लेके जाना है, रेसिप्रोकल करना है, तब कैसे लिखाएगा आप। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसी टर्म को ऊपर से नीचे ले जाएंगे, तो ये वाला बात जो है बदल जाता है। जानते थे ये सब बात पहले से, तब टेंथ में पढ़ना है। आज तो टेंथ वाला काम चलेगा, सिर्फ इलेवन ट्वेल्थ में तो बात ही नहीं है। ये बात समझ लीजिए, अगर यहाँ एयर ग्लास है तो नीचे ले जाइए तो ग्लास एयर में बदल जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। इस बात को भी याद रखना है, तब तो हम आगे चल सकते हैं। अब क्या चल सकते हैं, हम लिख सकते हैं म्यू ग्लास वाटर बराबर वन बटा, देखिए अब इस दोनों को नीचे लेके चले जाते हैं, इसको और इसको नीचे लेके चले जाते हैं, किधर वन बटा में इनटू में, तो ये चला जाएगा ऐसे म्यू वाटर एयर इनटू म्यू एयर ग्लास। देख लिए ध्यान से, यानी कि हम क्या किए, इसको यही छोड़ दिया, ये दोनों जो इनटू में था उसको डिवीजन में लेके चले गए। अब जब डिवीजन में लेके चले गए तो एक टर्म जो है, देखिए क्या होगा, अब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, क्या करते हैं इसको ऊपर लेके जाते हैं। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वाला बात बदल जाता है, ये बात पता है, तो ये हो जाएगा म्यू ये क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका ऐसा म्यू ग्लास और एयर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो ग्लास एयर था जो एयर ग्लास हो जाएगा, और डिवाइड बाय हो जाएगा म्यू वाटर एयर हो जाएगा। देखिए अब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसा इसको पढ़ते कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। जब ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो ये मीडियम दोनों का सेम है, इसीलिए सम टाइम म्यू ग्लास वाटर बराबर म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर फार्मूला होता है। इस बात को समझ लीजिए, और यही सब फार्मूला आपका टेंथ क्लास में डायरेक्ट लिखा रहता था, जिस फार्मूला को हम क्लियरली एकदम अच्छे शब्दों में
आपको समझा चुके हैं। इसमें किन्हीं कोई कोई कष्ट है तो हमको जरूर बताएंगे, और नहीं तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें नहीं लगता किन्हीं को कष्ट है अब। क्योंकि कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से समझते रहिए। कैमरा घुमा दें एक बार। चलिए अब क्वेश्चन की बारी। एक आध वो क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। फाइंड रिफ्रैक्ट, फर्स्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और दूसरा बनाना है आप लोग को क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जल्दी से बना करके व्हाट्सएप पर भेजिए, जल्दी से एकदम फास्ट में, हम मोबाइल खोल के एकदम तैयार। हाँ सर। क्लास नहीं करते थे क्या पहले आप? करते थे सर। तो करते थे, लिंक नहीं आ रहा सर, दो दिन से लिंक नहीं आ रहा है। लिंक नहीं आ रहा था तो हम क्या बोले, जिनके पास लिंक नहीं पहुंचे 6:55 में हमको मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको लिंक अलग से भेज देंगे। ऐसा नहीं बनाइए, ठीक है? नहीं सर, कर लेते थे सर, दूसरा से करके ठीक है, दोस्त से मांग, दूसरा से लेके नहीं करना ना, हमसे बात कीजिए ना, दूसरा से काहे बात करते हैं। देखिए एकदम क्लास रेगुलर करना है, क्योंकि आज आपका पहला बार शायद आया है मेरे पास मैसेज क्वेश्चन बना करके। देखिए आपका हम देख रहे हैं, एकदम पहला मैसेज आया है, देखिए आपको हम सामने दिखा देते हैं। एक भी मैसेज मेरे मोबाइल में आपका नहीं, सिर्फ पहला मैसेज आया है, ठीक है ना। होमवर्क बना के भेजे हैं एक बार, आप लगता है भेजे हैं सर, असाइनमेंट बना के भेजे थे, फेयर भी भेजे थे सर। दूसरा नंबर से भेज देते हैं तब क्या? नहीं सर, यही नंबर है, यही नंबर है सर। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। बहुत लोग बना के भेज दिए, सब लोग का सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था, हम भी एक बार बना लेते हैं। अंशु प्रिया भी भेज दिए। चलिए यहाँ पर देखिए, लिखने का तरीका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम तो पहले बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो पहले बोलिए वो पहले लिखाएगा, जो बाद में बोलिएगा वो ऊपर चला गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और जो जब इक्वल फॉर्मूला लिखिएगा ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो ग्लास लिखाएगा पहले और वाटर लिखाएगा नीचे, मतलब यहाँ पर ऊपर नीचे का यहाँ उल्टा होता है, बस याद रखिएगा। अब ग्लास का जो है 3/2 है, वाटर का 4/3 है, 9/8 आंसर आ गया। दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है आपका 4/3 है, और ग्लास का जो 3/2 है 8/9। दिस क्वेश्चन फ्रॉम NCERT क्लास 10th, ये क्लास 10th का NCERT से प्रॉब्लम था, ठीक है। ये क्लास कहाँ का? NCERT का प्रॉब्लम था।
चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए बिना क्वेश्चन का तो काम होता नहीं है ना, इसलिए क्वेश्चन तुरंत, इसको आपको लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोग को टेंशन मत लीजिए, एकदम सीधा सीधा सब कुछ बनेगा। अभी दो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट थ्योरी अब आने वाला है, अब टेंथ लगभग समाप्त हो रहा है लाइट, अब ट्वेल्थ में हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको मैं दे रहा हूं आप लोग को बनाना है। क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेडर मीडियम, अ रे ऑफ लाइट, क्वेश्चन लिखते भी जा सकते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इंसिडेंट क्वेश्चन करता है नहीं, अब ठीक है, ठीक है, अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम रेडर मीडियम इतना दिया हुआ है, इनटू अ डेंसर मीडियम उसका नहीं दिया है, और कहता है इंसिडेंट एंगल, यानी कि रे ऑफ लाइट जो है रेडर मीडियम में से जा रहा है ऐसे, यानी रेडर मीडियम से रे ऑफ लाइट आ रहा था, रेडर मीडियम था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था, रेडर मतलब पहला मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5 था, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, लेकिन देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो 60 डिग्री है, और रिफ्रैक्शन यानी ये 60 डिग्री है, तो ऐसे भी पता चल रहा होगा कि ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि डेंसर मीडियम में जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगा, डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगा, जब टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगा तो आप लिखिएगा फॉर्मूला म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, आपको तो यही लिखना है हर हाल में, म्यू 1 1.5 साइन 60 डिग्री इक्वल टू म्यू 2 और साइन 45 डिग्री, तो आपको पता है कि म्यू बराबर हो जाएगा 1.5 साइन 60 होता है रूट 3/2 होता है, और ये जो होता है आपका कितना साइन 45 1/√2, तो रूट 2 चला जाएगा ऊपर आपका, ऐसे चला जाएगा है ना, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई 1.5 हो गया, अब रूट निकालना है तो रूट का तो 1.73 होता है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा रूट 2 तो इसका 0.7 होता है, यानी कि आप इसको गुना भाग कर लीजिए आंसर आ जाएगा म्यू बराबर आपका आएगा 1.83 आएगा, कितना आंसर आएगा, आंसर जो आ रहा है 1.83 आ रहा है, 1.83 आ रहा है, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है, आ गया है सर एकदम आ जाएगा, तीन शॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है और कोई बात हो गया, अच्छे अब देखिए मीटिंग अपने सॉफ हो रहा होगा, अब टाइम उल्टी हो गया है 40:37 हो गया है, इसलिए एक बार मीटिंग को हम ऑफ करते हैं और फिर और चलिए माधुरी का जो है आपका भी आंसर सही है, ओम प्रकाश जी आपका भी आंसर सही है, चलिए आसान क्वेश्चन था दिक्कत नहीं है, अगले क्लास से मेन जो है ना अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब टेंथ पार करके हम लोग 12th में एंट्री मारेंगे, सोम्य आपका भी सही है, गौरव नाम लिख के भेजे हैं अभी 1.22 आपका भी सही है, हर्षराज आपका भी सही, सभी लोगों का सही है, चलिए एक बार हम भी बना ही लेते हैं तब है ना, तुरंत एक मिनट में। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था, लैंग्वेज पढ़िए, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम एयर, ये लिक्विड है, लिक्विड का ये सरफेस है, इधर एयर है, क्वेश्चन में कह रहा है एट एंगल 60 डिग्री, यानी मतलब इंसिडेंट जो किया है ये 60 डिग्री पर इंसिडेंट किया है, ऐसे ये नॉर्मल हुआ तो ये 60 डिग्री पर इंसिडेंट कर गया, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है आपको, इफ आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल थ्रू 45 डिग्री, अब ये 45 डिग्री से ऐसे पार किया है, यानी ये कितना हो गया 45 डिग्री हो गया है ना, फाइंड रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ लिक्विड, तो बाई स्नेल्स लॉ लगाना है, एक बार में तो लग जाएगा, बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ क्या लिखेगा,
म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यही फॉर्मूला याद रखना हर बार, बात समझ लीजिए। म्यू वन एयर है, एयर का वन होता है वैल्यू साइन 60, तो वन गुने साइन 60 डिग्री इक्वल टू, इसका तो वैल्यू निकालना है म्यू टू का, एंड जो लिक्विड है और साइन 45 डिग्री, तो देखिए साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है, और ये हो गया कितना म्यू गुने 1 बाई रूट 2 हो गया, तो म्यू बराबर लिखिएगा रूट 2 इंटू रूट 3 और बाई 2, तो देखिए ये हो जाएगा रूट 3 बाई रूट 2, ऐसा आ जाएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो देख लीजिए, और आपका 1.73 अगुने 0.7 हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 का वैल्यू, आप 7 का टेबल पढ़ लीजिए, 7 3 जा 21 और 49 2 51 5 हो गया और 7 5 12 हो गया, यानी 1.211 आएगा, यानी 1.2 जिनका आया है उनका आंसर सही है, ठीक है। देखिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर कुछ बतलाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और कोई डाउट है किन्हीं को तो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए पर्सनल डाउट भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने के लिए आजादी है, पूछिए जरूर पूछिए, है ना, हर हाल में पूछिए, ठीक है। केवल एक ही काम कीजिएगा, फ्री में किसी को एंट्री मत करवाइएगा आप लोग, इसीलिए डेली हम मीटिंग पासवर्ड भी चेंज करते हैं, फिर भी देखते हैं एक आध को कभी कभी कि जिसको हम जानते नहीं है वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। मेरे साथ बेईमानी मत कीजिएगा, है ना, नहीं तो समझ जाइए एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच के आपका कलम छीन लेंगे, समझ लीजिए, तब लिख ही ना देंगे आपको, ठीक है। हम बोले ना कि ऑनलाइन में हम लोग को ज्यादा मेहनत पड़ता, हाँ बहुत सारे टीचर को कम मेहनत पड़ता, क्यों, सीधा वीडियो बना के डाल दिए कहानी खत्म, है ना। आपको अभी पढ़ाने के लिए 3-3 इंस्ट्रूमेंट मेरे साथ एक साथ वर्क करते रहता है, 3-3 इंस्ट्रूमेंट, एक दो इंस्ट्रूमेंट वर्क करे तब ना, है ना, एक कैमरा से पढ़ाते हैं, एक लैपटॉप में देखिए आप लोग को बार बार दिखाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, देखिए सब कुछ है ना, सबका नाम यहीं से देखते रहते हैं कौन, देखिए अभी रिलायंस 6 प्रो जो है ना अपना माइक को ऑन किए हुए हैं, तो यहाँ सब दिखते रहता है हमको, है ना, वीडियो ऑन करते हैं वो भी दिख जाता है, नहीं तो ये सब बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आज इतना यहीं तक इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि इतना अगर बहुत स्ट्रांग हो गया ना इस जो आज पढ़ाए और पीछे वाला, तो अगले क्लास से बहुत अच्छा अच्छा चीज पढ़ाएंगे, जैसे एक्वेरियम में मछली देखते होंगे, अब मछली जब देखते होंगे तो याद कीजिए मछली कभी बड़ा दिखता है कभी छोटा दिखता है, अजीब होता है, याद कीजिए बचपन से लेके अभी तक अगर गांव में आप रहे होंगे कभी भी, तो पोखर तालाब में मछली कहीं देखे होंगे ना, उसको ढेला से मारिए पत्थर से मारिए, आपसे कभी भी नहीं लगेगा, इसकी फुल गारंटी है, क्यों, आपसे लगेगा ही नहीं, एकदम 100% आई एम श्योर, अगर आप ढेला से मछली को मार के गिरा दीजिएगा आपको 1000 बार चांस देंगे, लेकिन 1000 में भी एक बार नहीं लगेगा आपको, क्यों नहीं लगेगा, उसका रीजन ये है कि जहां मछली रहती है वहां दिखती ही नहीं है, मछली अगर यहाँ है तो दिखती है यहाँ, तो आप निशाना यहाँ मारिएगा तो मछली मरेगा, कभी नहीं मरेगा, यानी अपरेंट और रियल, अपरेंट मतलब आभासी, आपको जो आभास हो रहा है ना रियल में अंतर है, मीडियम बदल जाने के बाद जानते हैं बड़ा अजीब घटनाएं होती है, वही सब घटनाएं अगले क्लास से पढ़ना है, मतलब मीडियम बदल जाने से अजीब अजीब घटना होता है, जो आपको दिख रहा वो रियल में वहां है ही नहीं, दूसरे जगह है लेकिन आपको दिख रहा है कहीं और, है ना, छोटा मछली है और कभी उसका ऑब्लिक व्यू रह जाएगा ना तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा है, आप एक्वेरियम में ही एक मछली को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से लुक कीजिए देखिए तो आपको लगेगा कि मछली कितना बड़ा है, और वही कभी कभी पोखर तालाब में भी लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा मछली था, वो छोटा ही मछली होगा, वो अपरेंट व्यू के कारण आपको बड़ा दिख गया था, आया समझ में, तो अपरेंट व्यू रियल व्यू
अगले क्लास में रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का जितना भी कंसेप्ट है वो सारा कंसेप्ट समाप्त होगा। आज कोई होमवर्क नहीं रहेगा, आज सिर्फ होमवर्क यही रहेगा कि पीछे जितना पढ़ाए हैं सबको जितना बार हो सके 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार सबको रिविजन कर लीजिए, ठीक है, और तब अगले क्लास में एकदम मजा आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास एंड करते हैं और एक बात और बता देते हैं, जिनके पास ड्यूज है वो, जिनके पास ड्यूज नहीं है उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिनके पास ड्यूज है अपने मन से जमा कीजिए। अब हमको कॉल कर करके आपको कहना पड़े कि सर ड्यू जमा दीजिए दीजिए, ये गलत बात है, ठीक है। और दूसरी बात, 11th का बैच चालू हो चुका है, उसमें भी आप लोग जोड़िए बच्चा को, 10-11 को हो गया है, लेकिन आप लोग के तरफ से अभी एक स्टूडेंट भी नहीं आया है। अब सोच लीजिए, जो पुराना स्टूडेंट पढ़ के गया था वही सब ज्वाइन हुआ है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके अगल बगल में होंगे, है ना। अभी सिर्फ 3,000 रुपया जमा करना फाउंडेशन बैच का, है ना, ऑनलाइन के लिए, बाकी फिर बाद में जब ऑफलाइन होगा तब जमा करना है, ठीक है। इसी तरह से चलता है, 9 बजे से चलता है ऑफ, मतलब ऑनलाइन 11th वाले बैच का, ठीक है। तो आज के लिए विदा, और सुनिए ध्यान से, आप सुन लीजिए, जिनको पूरा 11th अच्छे से पढ़ना हो, एकदम अच्छे से पढ़ना हो, तो कल वाले में भी ज्वाइन कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स चालू किए हुए हैं, और आज 2 बजे से सर्कुलर मोशन चालू करेंगे। सर्कुलर मोशन के बाद बर्फ ऑफ एनर्जी के बाद कोलिजन सेंटर मास रोटेशन फ्लूइड ग्रेविटेशन, इधर से आगे बढ़ेंगे और उधर से 11th सोच रहे 1.5-2 महीना खत्म हो जाए, तब फिर रिविजन कराने फिर से 11th चालू करेंगे। जब इधर से पूरा 11th खत्म हो जाएगा ना, तब फिर से एक बार फास्ट में चलेंगे, मतलब कि टारगेट बैच के जैसा चलेंगे 11th में। इसलिए बात को समझिए और थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, है ना, जितना कहते हैं उतना याद करके रखिए, बहुत फायदा होगा, ठीक है। इसलिए 2 बजे वाला भी ज्वाइन कीजिए हर हाल में, क्योंकि अब मेन चैप्टर आप भले पढ़ लिए थे लेकिन भी आपको कितना याद होगा वो हमको भी पता है, और वो बैच 2 से 4 चलता है, 3.5 तो मिनिमम चलेगा वो वाला बैच में, चूंकि ज्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसमें ज्यादा हम ही को बताना है सब, इसमें तो थोड़ा बहुत आप लोग से भी बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर विदा लेते हैं, है ना, फिर 2 बजे मिलते हैं। जय हिंद भारत, नहीं, जय भारत, जय हिंद भारत, जो बोलना है एक बार बोल दीजिए और मीटिंग